डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वी होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। सो वी टुडे स्टार्टेड द लेक्चर एंड एरेस एंड स्टाइल फॉर क्लास मैट्रिक एंड इट इज़ अवर लेक्चर नंबर 5। सो हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म एरर। एक्चुअली एरर इज द difference between measured value and actual value। measured value और actual value के बीच में जो difference है, इस difference को हम नाम देते हैं error। How we can define the term error? Error is the difference between measured value and actual value। measured value और actual value के बीच में जो difference है, इस difference को हम नाम देते हैं error। So for example, if two person use the same instrument, I say that if two person use the same instrument to measure the physical quantity। हमने ये कहा अगर दो बंदे same instrument use करेंगे और किसी physical quantity को measure करेंगे, so it means that it is not possible that the result will become same। ये ज़रूर नहीं है कि अगर दो बंदे होंगे और same physical quantity को measure करने की कोशिश करेंगे कि ये ज़रूर नहीं है कि ये दोनों बंदों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। सो इट मीन्स दैट इफ टू पर्सन यूज द सेम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एरिया, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम, फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सो एंड सो। सो इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल दैट द रिजल्ट विल बिकम सेम। ड्यू टू दिस रीजन एरर विल बी क्रिएटेड। सो आई रिपीट, how you can define the term error? Error is the difference between measured value and actual value। measured value aur actual value ke beech mein jo difference hai, is difference ko hum naam dete hain error। so for example we say that if two person use the same instrument to measure the same physical quantity, it means that it is not possible then the result will become same for two persons। in other words I can say that some observer with a different instrument। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर का मतलब है कोई भी बंदा हो सकता है, अगर वो बंदे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, सो वी हैव इन अदरवाइज वी कैन से दैट वी हैव सम ऑब्जर्वर एंड दीज ऑब्जर्वर यूज ए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर टू मेजर द एनी क्वान्टिटी, दैन द रिजल्ट विल बिकम सेम। इस कंडीशन में भी हमारे पास ये ज़रूर नहीं है कि इन ऑब्जर्वर का, इन बंदों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। सो हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म एरर? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। सो वी से दैट इफ टू पर्सन यूज द सेम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल देन द रिजल्ट विल बिकम सेम। इन अदरवाइज वी कैन से दैट सम ऑब्जर्वर use the different instrument then it is not possible that the result will become same and error will be created। so now we can define the type of error। so error can be classified into three main type। error can be actually there are various type of error, but according to your textbook error can be classified into three main type। So we have the first type of error whose name is personal error। Actually this error arises by the wrong way of taking the reading। ये personal error तब create हो रहा है जब कोई बंदा कोई experiment कर रहा है और वो जो reading ले रहा है वो अगर गलत reading लेगा और इसको reading लेने नहीं आएगा, इसकी वजह से ये error create होगा। So how it will be created? It will be created by the wrong way of taking the reading। In other words I can say that आप उसको दूसरे लफ्ज में ऐसे define कर सकते हो, error which is created by any person। वो error जो किसी बंदे से या किसी person से create हो जाए, इस error को हम नाम देते हैं personal error। So here for example the eye may not be in front and parallel to the scale। अगर कोई बंदा reading लेगा, हो सकता है उसका कोई तवज्जह या आई इस स्केल में अच्छी तरीके से वो इसको कैलकुलेट नहीं कर सके या डिटरमाइन नहीं कर सके।
while taking the reading, जब ये reading ले रहे होगा. So how we can reduce or minimize or remove the error? अभी हमारे पास सवाल हो रहा है कि इस पर्सनल एरर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट वी शुड हैव टू एक्सपेरिमेंट पर्सन. ये कह रहे हैं जो बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा, जो बंदा रीडिंग लेगा, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन ये है कि वो बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए. सेकेंड वी हैव द कंडीशन बाय द हेल्प ऑफ केयर. इसका मतलब ये है वी कैन रिड्यूस, वी कैन मिनिमाइज आर वी कैन रिमूव द पर्सनल एरर. फर्स्ट वी शुड मेंटेन, वी शुड हैव द पर्सन हुज व्हिच हैज एक्सपीरियंस एंड बाय द हेल्प ऑफ केयर. मीन्स बाय द हेल्प ऑफ केयर एंड बाय द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन वी शुड रिमूव द पर्सनल एरर. सो हाउ इट विल बी अराइजेस. अभी हमारे पास सवाल हो रहा है ये जो हमारे पास पर्सनल एरर है वो कैसे अराइज हो रहा है और ये क्यों क्रिएट हो रहा है. इट विल अराइजेस बाय द हेल्प ऑफ इन एक्सपीरियंस पर्सन. ये पर्सनल एरर तब हो रहा है अगर कोई बंदा रीडिंग लेगा या तो शख्स को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस इन एक्सपीरियंस पर्सन की वजह से ये पर्सनल एरर क्रिएट हो रहा है. सो हाउ कैन रिमूव द पर्सनल एरर. पर्सनल एरर कैन बी रिमूव बाय एक्सपीरियंस पर्सन. पर्सनल एरर कैन बी रिमूव बाय या मिनिमाइज बाय केयर. हाउ इट विल बी अराइजेस. इट विल अराइजेस बाय द हेल्प ऑफ इन एक्सपीरियंस पर्सन. वेयर इज वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ एरर हुज नेम इज इंस्ट्रूमेंटल एरर आर सिस्टमेटिक एरर. हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म इंस्ट्रूमेंटल एरर आर सिस्टमेटिक एरर. सो इट इज द एरर्स ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं अगर हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट कोई ख़राब होगा या काम नहीं कर रहा होगा, इसकी वजह से जो एरर क्रिएट हो रहा है इस एरर को हम नाम देते हैं सिस्टमेटिक आर इंस्ट्रूमेंटल एरर. सो इट इज़ द एरर एंड इट विल अकर ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो हाउ इट विल बी अराइजेस. इट विल अराइजेस ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म आर द रॉन्ग मार्क ग्रेजुएशन. ये तब क्रिएट हो रहा है जब हम कैलकुलेट करने में हमें कोई गलती हो रहा है. सो हाउ इट विल बी मिनिमाइज. इट विल बी मिनिमाइज आर इट विल बी रिमूव्ड व्हेन वी कंपेयर द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट. ये कह रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को या सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस, मिनिमाइज और रिमूव तब कर सकते हैं जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट का रिजल्ट किसी हाई क्वालिटी वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, हम इसको रिमूव कर सकते हैं. सो हाउ इट कैन बी रिमूव. इट कैन बी रिमूव व्हेन वी कंपेयर द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट. सो दैट व्हाई इट्स विल बी रिमूव्ड. सो नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ एरर हुज नेम इज रैंडम एरर. रैंडम एरर इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर. सो हाउ इट कैन बी अराइजेस और हाउ इट कैन बी क्रिएटेड. It will be created due to the external condition. Means accidental error will be created due to the external condition. Here I can define the term external condition. The term external condition means change in temperature, change in voltage and humidity. या तो temperature की change होने की वजह से create हो रहा है, या तो voltage की change होने की वजह से create हो रहा है, या humidity की वजह से create हो रहा है. So how it can be reduced or minimized or removed by taking several reading, we can calculate the mean value. Means it can be removed when we take the several number of readings and to calculate the mean value. इसको हम तब remove कर सकते हैं या तो हमें बहुत ज़्यादा reading लेना चाहिए और उसके बाद हम जो है mean value को calculate कर सकें. दूसरा हमारे पास situation ये है we should maintain these above condition. हमें ये तीनों condition maintain करना चाहिए. We should maintain these above condition in the laboratory or lab when we perform before experiment. Experiment करने से पहले हमें इस तीन टर्म को mention करना चाहिए. एक तो हमें change in temperature को देखना चाहिए, दूसरा हमें change in voltage को देखना चाहिए और third हमें humidity को देखना चाहिए. अगर हम इस तीनों टर्म को mind में रख के experiment करेंगे फिर हमारे पास ये जो हमारे पास accidental error है वो create नहीं हो सकेगा. So here we have the next topic, the how we can define the term accuracy. Here accuracy can be defined as
it are they free from mistake. So the free from mistake are known as accuracy, are perform work without making any mistake. जब हम काम करें और काम के दौरान कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसको हम नाम देते हैं एक्यूरेसी. इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्यूरेट. स्टेट ऑफ बीइंग एक्यूरेट आर नोन एज एक्यूरेसी. सो फॉर एग्जांपल ईच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म ट्वाइस. हम सेकंड बार या ट्वाइस टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. इन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट इस एक्यूरेसी को क्रिएट करने के लिए, इस एक्यूरेट को हम स्पेशली एक्यूरेट करने के लिए हम रिपीट मीन्स ट्वाइस टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल ईच एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ट्वाइस टाइम इंश्योर फॉर द एक्यूरेसी. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप लोगों का नेचर ऑफ लाइट है, और नेचर ऑफ लाइट आप लोग पढ़ के हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेचर ऑफ लाइट होगा. सो योर होमवर्क इज नेचर ऑफ लाइट. Thank you.